का डिक्टेशन है, 80 शब्द प्रति मिनट, रेडी स्टार्ट। गोलीकांड की जांच करने आए केंद्रीय कार्य समिति के जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में भी यही कहा कि प्रदेश पार्टी में अपराधी तत्वों को न केवल संरक्षण बल्कि प्रोत्साहन भी मिल रहा है। संदिग्ध चरित्र वाले लोग खुलकर बड़े नेताओं से सहायता पा रहे हैं, उनसे व्यापारिक रिश्ते तक रखते हैं, संगठन और सत्ता में उन्हें पद तक मिल जाता है। ये सारे अपराधी लोग जिन्हें सशक्त तथा समर्थ नेता पालते हैं, पार्टी में विरोधियों पर हमला करते हैं। जब विरोध पराजित हो जाता है तो आपस में लड़कर अपनी पार्टी की ही लुटिया डुबो देते हैं। यह गोलीकांड ऐसे ढेरों कांडों में से एक है जो प्रदेश की शीर्ष संस्था के उच्च पदस्थ पदाधिकारी के बीच खूनी संघर्ष राजधानी में होने के कारण प्रकाश में आ गया। या ऐसे कांड करने वालों को यह नहीं मालूम कि उनके आवेश की बाढ़ में कितना कुछ कचरे में बह गया है। सत्ता के विकेंद्रीकरण और साक्षरता का ढोल बज रहा था, नेतृत्व की सहनाई बज रही थी। ढोल कोई ठोस नहीं होता, मगर जब वह बजता है तो अच्छे अच्छे ठोस उपकरणों की बोलती बंद हो जाती है। इस एक कांड ने ही ढोल की बोलती बंद कर दी है। जहां देखो वहां बर्बरता की चर्चा हो रही है। जांच दल ने इसे प्रमाणित कर दिया है। प्रश्न यह नहीं कि प्रदेशाध्यक्ष अपने पद पर बने रहते हैं अथवा नहीं। आजकल पदों पर व्यक्ति अपनी प्रतिभा या व्यक्तित्व से महत्वपूर्ण नहीं बनता है, अतः यदि ये गया तो दूसरा आएगा। वह भी पद पर बैठते ही भगवान की मूर्ति बन जाएगा, आरती उतरवाएगा, पूजा करवाएगा, भोग लगवाएगा। मूर्तियों का काम ही इतना होता है। जिसने मूर्ति स्थापित की है उसकी प्रतिष्ठा मूर्ति के साथ जुड़ी रहती है। वे मूर्ति खंडित नहीं होने देने का प्रयास करते हैं। मूर्ति खंडित होगी तो महाबली का अनुमान भी खंडित होगा। फिर मूर्ति खंडित हो या अनुमान, पूजा के पात्र नहीं रहते। किसी को प्रेम करना और प्रोत्साहन देना अलग बात है। जब प्रेम और प्रोत्साहन अपराधी को दिया जाता है तो बात और भी अलग हो जाती है। जांच दल संगठन में ही नहीं बल्कि सत्ता में भी संदिग्ध चरित्र के लोगों को पद देने और उपकृत करने की बात करता है तो निशाने पर अध्यक्ष ही नहीं मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं। अतः उन्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बिहार में जो हो रहा है वह अपराध के आरोहण की कथा है। हमारे राज्य में सूखे की स्थिति का सामना करने के प्रयासों में एक अभियान पानी बचाओ का भी मुख्यमंत्री के कहने से चलाया गया। यह अभियान प्रदेश के
समग्र हित में चलाया गया। प्रदेश के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया। प्रदेश में यथा स्थिति को बदलने के लिए इसे चलाया गया।